हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। पवित्र आत्मा के दान। पवित्र आत्मा के दान सीरीज का यह 5वां संदेश है। इस सीरीज का कोई भी भाग देखने से पहले अगर आप पहला भाग देख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि पहले भाग में मैंने विस्तार से समझाया है कि पवित्र आत्मा के दान क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्यों दिए जाते हैं। इस संदेश में मैं आपको दूसरे वर्ग के दान के विषय में समझाऊंगा, जो है कम्युनिकेशनल गिफ्ट, अर्थात संवाद, वाद विवाद और बोलचाल का दान। ये दान 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रीचर, अर्थात धर्म का उपदेश, प्रवचन या प्रचार करने का दान। मैंने इस सीरीज के 3रे संदेश में जो भविष्यवाणी के दान के ऊपर था उसमें समझाया था कि भविष्यवाणी के दान के 2 पहलू होते हैं। पहला, आगे होने वाली घटनाओं के विषय में एकदम ठीक ठीक बताना, फोरटेलिंग। ये दान आरंभिक कलीसियाओं में था और 1वीं सदी में बाइबल के पूरी हो जाने के बाद ये दान समाप्त हो गया था, क्योंकि इस दान का उद्देश्य, द पर्पस, वो समाप्त हो गया था। बाइबल में नई पृथ्वी और नए आकाश तक की सारी भविष्यवाणियां लिख दी गई थी, इसलिए अब किसी और भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भविष्यवाणी के दान का जो 2रा पहलू था वो आज भी विश्वासियों में मिलता है, और वो है परमेश्वर के वचन को आगे बताना। मतलब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके मन में जो संदेश डालता है, यानी प्रचारक के, उसे वो आगे चर्च को बताता है, विच इज कॉल्ड 4th telling, संदेश को आगे चर्च को बताना। तो जिसको ये दान मिला होता है वो होता है प्रीचर, अर्थात प्रचारक, उपदेश या प्रवचन सुनाने वाला, जैसा 1 कुरिन्थियों के 14:3 में लिखा है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, अर्थात जो लोगों के आगे वचन में से संदेश देता है, वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मतलब वो वचन सिखाता है। रोमियों का 12:6 कहता है, उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, अर्थात परमेश्वर के लिखे हुए वचन में से संदेश सुनाना, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। मतलब प्रचारक के मन में जितना विश्वास है उसी नाप से वो प्रचार करे। जिसको यह दान मिला होता है उसके 2 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, उस मसीही की वचन में रुचि बढ़ती जाएगी और वो वचन का गहराई से अध्ययन करने लग जाएगा, और इस काम में परमेश्वर उसकी अवश्य मदद भी करेगा अलग अलग तरीकों से, ताकि वो मसीही एक अच्छा प्रचारक बन सके। तो यह चिन्ह होता है। दूसरा, उस मसीही को प्रचार में बड़ा आनंद आएगा, सब कामों से ऊपर, और वो हर समय वचन के प्रचार के लिए तैयार रहेगा जहां भी परमेश्वर उसे मौका देगा। 2 तिमुथियुस 4:2 में पौलुस कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। मतलब प्रचारक में सहनशीलता होनी चाहिए, वो वचन में शिक्षित होना चाहिए ताकि आगे सिखा सके, जहां जरूरत हो वहां एक पिता की तरह डांटे और जहां समझाना हो वहां समझाए अपने संदेश में। आज बहुत से छोटे बड़े प्रचारक हैं जो वचन का गहराई से अध्ययन नहीं करते और अपने संदेशों में अपनी समझबूझ से और अपने सांसारिक अनुभवों से इधर उधर की बातें बताते रहते हैं। कभी कभी वे लोगों का बहुत मनोरंजन भी करते हैं और उन्हें बहुत हंसाते भी हैं, लेकिन वे सिर्फ अपनी फिलॉसफी सुना रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन में से नहीं। केवल 1 या 2 वचन यहां वहां से पढ़ देंगे ताकि ऐसा लगे कि बाइबल में से संदेश दे रहे हैं। जो मसीही वचन के भूखे होते हैं वे ऐसे प्रचारकों से ज्यादा प्रभावित कभी नहीं होते। अब दूसरा दान है टीचिंग, अर्थात शिक्षा देने का। रोमियों का 12:7 कहता है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे,
यदि कोई सिखाने वाला हो अर्थात शिक्षक, तो सिखाने में लगा रहे, मतलब ऐसा एक दान होता है। मैंने अपने चौथे संदेश में बताया था कि एक पैस्टर एक टीचर भी होता है, क्योंकि एक पैस्टर को टीचिंग का दान भी मिला होता है, दोनों इकट्ठे जाते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक टीचर एक पैस्टर भी हो, मतलब पैस्टर तो टीचर होता है, लेकिन एक टीचर का जो बाइबल सिखाता है उसका पैस्टर होना जरूरी नहीं है। जिसको टीचिंग अर्थात शिक्षण का दान मिला होता है उसके भी दो मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, उस मसीही को भी परमेश्वर के वचन बाइबल में गहरी रुचि होने लगेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे वो अपने मसीही जीवन में बढ़ता जाएगा, और समय आने पर वो एक अनुशासनबद्ध और गंभीर अध्ययन शुरू कर देगा वचन का, अ डिसिप्लिन स्टडी ऑफ द वर्ड। उसकी रुचि संसार की बाकी गतिविधियों में से कम होती जाएगी, जैसे स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, राजनीति, मनोरंजन, रिश्तेदारों के फंक्शन इत्यादि, सब में उसकी रुचि कम होती जाएगी और वचन में उसकी रुचि बढ़ती जाएगी दिनों दिन। ये चिन्ह होता है, उसके मन में हमेशा परमेश्वर की ही बातें घूमती रहती है। अब मैं यहां ये नहीं कह रहा कि उसको अपनी नौकरी या काम धाम सब छोड़ देना चाहिए, वो तो उसको प्रभु बताएगा कि उसे क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसका ध्यान हमेशा बाइबल पर लगा रहेगा, ये चिन्ह होता है। वो अपने जीवन के हर एक अनुभव को बाइबल के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देगा, तभी तो वो एक अच्छा बाइबल टीचर बन पाएगा। एक बार एक बाइबल टीचर के प्रभावशाली संदेश को सुनकर एक जवान इतना उत्साहित हो गया कि वो उस टीचर के पास जाकर बोला, टीचर आपकी तरह बाइबल सिखाने के लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं। तब वो टीचर एक नजर उसकी तरफ देखकर बोला, हां तुम्हें देना पड़ेगा अपना पूरा जीवन। दूसरा लक्षण एक टीचर का यह होता है कि पवित्र आत्मा उसे क्षमता देता है कि वो परमेश्वर के वचन को बहुत सरल और स्पष्ट रूप से समझा सके, और साथ ही साथ वो मसीहियों को सिखा भी सके कि कैसे वचन को अपने जीवन में लागू करना है, अर्थात जीवन की हर परेशानी को वचन के आधार पर कैसे निपटना है। लेकिन ध्यान रखिए, भले ही यह दान आपको उद्धार के समय ही मिल गया होगा, लेकिन अन्य दानों की तरह ही इस दान की पहचान और विकास दोनों धीरे धीरे होते हैं। मसीही बनने के बाद मुझे लगभग 5 से 6 साल लग गए थे ये समझने में कि मुझे यह दान मिला हुआ है और प्रभु मेरे इस दान को मेरे अंदर विकसित कर रहा है अपने वचन के द्वारा, जो मैं अपने चर्च में सीखता था और मेरे मसीही जीवन के अनुभवों के द्वारा भी। मुझे समय लगा समझने में, तब मुझे लगने लगा कि पवित्र आत्मा मुझे मेरा यह दान समझा रहा है और मुझे इस दान की ओर खींच भी रहा है, ताकि मैं अपने सेवकाई के लिए तैयार हो सकूं। फिर धीरे धीरे वो मेरे रास्ते खोलता गया और मुझे प्रचार और शिक्षण के कई मौके मिलते गए, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। तो समय लगा इसमें, तो समय लगता है किसी भी दान को पहचानने में और उसका विकास करने में, जैसे जैसे आप अपने मसीही जीवन में बढ़ते जाएंगे। इसीलिए जल्दी में मत रहिए कि मुझे यह दान मिला है शायद तो मैं जल्दी से सबको बाइबल सिखाने लग जाऊं, नहीं, क्योंकि तब आप बहुत सी गलतियां करेंगे जो चर्च के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रभु के समय से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से धीरे धीरे इस दान को प्रयोग में लाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दान है, इसके द्वारा मसीहियों को मैच्योर अर्थात परिपक्व किया जा सकता है, जैसा आरंभिक कलीसिया में होता था। प्रेरितों के 2:42 में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने अर्थात निरंतर शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरित इस दान से निरंतर वचन सिखाते रहते थे। यह दान स्त्री और पुरुष दोनों को मिलता है, और इसका इस्तेमाल संडे स्कूल, यूथ मिनिस्ट्री, स्त्रियों की मिनिस्ट्री, डिसाइपलशिप क्लासेस, बाइबल कॉलेज इत्यादि में किया जा सकता है। तो इस दान की मांग है बाइबल का गंभीर और नियमबद्ध अध्ययन करना, गंभीरता से पढ़ना, और इस दान को पूरे विश्वास, आत्मीयता और सच्चाई से काम में लाना होता है, तभी प्रभु आपके साथ होगा। तीसरा दान है विजडम अर्थात बुद्धि का। लेकिन कौन सी बुद्धि? मनुष्य की बुद्धि नहीं,
बल्कि परमेश्वर की बुद्धि, नॉट द विजडम ऑफ मैन बट द विजडम ऑफ गॉड। मनुष्य की बुद्धि तो सांसारिक होती है, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, जो बहुत से लोगों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, नेचुरली होती है उनमें इंटेलिजेंस। कोई गणित का विद्वान होता है तो कोई विज्ञान का, कोई शतरंज में माहिर होता है तो कोई बिजनेस में, इत्यादि। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से अलग होती है। मनुष्य की बुद्धि उसमें संसार का ज्ञान और अहंकार भर देती है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि सरल और सच्चे मन वालों को ही मिलती है। यीशु ने कहा लूका 10:21 में, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हां है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो यहां बालक कौन है? सीधे सच्चे और सरल मन वाले लोग। परमेश्वर के राज्य की बातें ज्ञानियों और समझदारों को समझ नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर अपना ही अहंकार भरा होता है कि उन्हें सब कुछ पता है। परमेश्वर की बुद्धि कॉमन सेंस भी नहीं होती, जो मनुष्यों में आम पाई जाती है, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि तो बहुत खास होती है, जो केवल उन लोगों में पाई जाती है जिन्होंने परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया हो। परमेश्वर की बुद्धि का अर्थ है परमेश्वर के दृष्टिकोण से सब बातों को देखना। गॉडली विजडम मीन्स टू सी थिंग्स फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव। पहले कुरिन्थियों का 2:6-7 में पौलुस कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों अर्थात अधिकारियों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन अर्थात आदिकाल से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वो ज्ञान जो परमेश्वर की तरफ से है। पहला कुरिन्थियों का 2:8 कहता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, मतलब विजडम ऑफ गॉड। जिसको ये दान मिला होता है वो यीशु मसीह के मन को अच्छी तरह समझ जाता है परमेश्वर के वचन के अध्ययन द्वारा। ही विल नो द माइंड ऑफ क्राइस्ट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वो हर परिस्थिति को यीशु की नजर से देखने लगता है कि अगर यीशु इस सिचुएशन में होता तो क्या करता, यह हमें क्या करने को कहता, इत्यादि। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मनुष्य कभी अपने फैसलों में गलती नहीं करेगा। कई बार जब वो वचन में नहीं बढ़ रहा होगा तो वो अपने अंदर के आदम के स्वभाव में भी बर्ताव कर सकता है, क्योंकि तब उसकी सोच केवल सांसारिक होगी और वो अपने दान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो वचन के आधार पर चल रहा होगा तो उसमें हर वक्त परमेश्वर की बुद्धि काम करेगी। परमेश्वर की बुद्धि क्या है? मनुष्य का उद्धार, मनुष्य के जीवन में शांति जो यीशु के बलिदान से ही आती है, मनुष्य को अनंत काल का जीवन, यह है परमेश्वर की बुद्धि। अगर इस संसार के बुद्धिजीवी और अधिकारी इस बुद्धि को समझ जाते तो वे यीशु को कभी क्रूस पर ना चढ़ाते, जैसा पहले कुरिन्थियों के 2:8 में लिखा है। लेकिन जिसको परमेश्वर की बुद्धि का दान मिला होता है, द गिफ्ट ऑफ विजडम, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को अच्छे से सिखा पाता है, उन्हें सरलता से समझा पाता है कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की बुद्धि से कैसे काम लेना है, बजाय सांसारिक दृष्टिकोण से फैसला करने के। बुद्धि के दान वाला मसीही कभी कभी आपको ऐसी सलाह देगा जिसे मनुष्य की बुद्धि से समझना मुश्किल होगा, लेकिन वो सलाह आपका भला करेगी क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि होगी। पहले कुरिन्थियों का 2:16 कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, मतलब परमेश्वर को कोई सलाह नहीं दे सकता क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, परंतु हम में मसीह का मन है, इसलिए हम मसीह के मन से अर्थात परमेश्वर की बुद्धि से लोगों को सलाह देते हैं, उनकी परेशानियों में या जीवन के फैसले करने में। बुद्धि के दान वाले मसीही जैसे जैसे वचन में बढ़ते जाते हैं वे बहुत अच्छे काउंसलर अर्थात सलाहकार बन सकते हैं। चौथा है प्रोत्साहन का दान, एनकरेजमेंट, एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन का यूनानी शब्द है पैराकैलोन, जिसका अर्थ होता है किसी के साथ साथ चलते हुए उसे प्रोत्साहित करना और उसकी मदद करना, साथ साथ चलते हुए। जिसके पास यह दान होता है पवित्र आत्मा उसके मन में एक बोझ डालता है
उन लोगों पर दया और करुणा करने के लिए जो अपने बुरे हालातों से लड़ रहे होते हैं, जिनके जीवन में बड़ी बड़ी तकलीफें होती हैं, जो नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजर रहे होते हैं, कि प्रोत्साहन के दान वाले मसीही उनके साथ साथ चलकर उन्हें अपना प्रेम दिखाए, उनको निरंतर प्रोत्साहित करे और उनकी हर संभव मदद करे, ताकि उन बोझ से दबे हुए विश्वासियों का यीशु के प्रति प्रेम और विश्वास और बढ़ जाए। ऐसा करते हो जिनके पास ये दान होता है। आमतौर पर ये लोग वे होते हैं जो बड़े मिलनसार होते हैं, जो चर्च में दूसरे मसीहों के पास जाकर उनके सुख दुख की खबर लेते हैं, दूसरों की तकलीफों को संयम के साथ सुनते हैं और समय समय पर उनके घर जाते हैं या उन्हें अपने घर बुला लेते हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। इस दान वाले मसीहियों को दूसरों के दुख में बहुत दुख और दूसरों की खुशी में सच्ची खुशी महसूस होती है, दिखावे की नहीं। तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपने जीवन से समय निकाल लेते हैं। बाइबल में ये अद्भुत दान बरनबा के पास था, जिसने आरंभिक कलीसियाओं में कई लोगों की मदद की और साथ में नए नए विश्वास में आए प्रेरित पौलुस की भी। प्रेरितों का 4:36 में बरनबा के विषय में लिखा है, और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। अब यहां जो शांति का पुत्र लिखा है वो अंग्रेजी में है द सन ऑफ कॉन्सोलेशन, जिसका अर्थ है तसल्ली देने वाला या ढांढस बंधाने वाला। तो जब यीशु के शिष्यों ने पौलुस को स्वीकार करने से मना कर दिया था क्योंकि वे इससे डरते थे, तो बरनबा ने पौलुस की मदद की और शिष्यों को समझाया कि किस रीति से पौलुस ने दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु को देखा और उस पर विश्वास किया और बड़े हियाव से यीशु के नाम का प्रचार भी किया, तब जाकर शिष्यों ने पौलुस पर विश्वास किया। आप इस दान का इस्तेमाल अपने चर्च में या किसी भी मिनिस्ट्री में लोगों को प्रोत्साहित करने में और पर्सनल काउंसलिंग में अर्थात व्यक्तिगत रूप से सलाह देने में कर सकते हैं। इस दान वाले मसीहों में बहुत संयम का होना आवश्यक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिसकी वे मदद कर रहे हो वे भी उनसे उतना ही प्रेम करें। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रोत्साहन देने वाले कई मसीही भाई बहन चर्चों में पाए जाते हैं। पांचवा दान है आत्माओं को परखने का दान, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। आरंभिक कलीसियाओं में जब बाइबल पूरी नहीं हुई थी, परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को चर्च के संबंध में सीधा प्रकाशन देता था किसी भी विषय पर, जैसे मसीहियों को कैसे जीना है, चर्च को कैसे चलाना है इत्यादि। और परमेश्वर के उस प्रकाशन को वे भविष्यद्वक्ता चर्च के सामने बताते थे सब मसीहियों को। तो आरंभिक मसीहियों को कैसे पता चल सकता था कि वो प्रकाशन सच्चा है, कैसे पता चल सकता था कि वो परमेश्वर की ओर से है, किसी झूठी आत्मा या मनुष्य की ओर से नहीं है? क्योंकि चेक करने के लिए नया नियम तो लिखा नहीं गया था तब तक। इसीलिए परमेश्वर ने आत्माओं को परखने का दान दिया, जैसे पहला योहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, मतलब हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पहले कुरिन्थियों को 14:29 कहता है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। तो कुछ मसीहियों को संदेश के वचनों को परखने का दान भी मिला था। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का पूरा वचन बाइबल है और साथ में हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है बाइबल की पुष्टि करने को, तो हम बाइबल में से पढ़कर और पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर सही और गलत संदेश की परख कर सकते हैं। यूहन्ना 16:13 कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा यानी पवित्र आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब इस वजह से यह बहुत संभव है कि ये दान आज की कलीसिया में मौजूद ना हो, क्योंकि बाइबल पूरी होने के बाद इस दान का उद्देश्य पूरा हो गया था, संदेशों और प्रकाशनों को पहचानने का। लेकिन फिर भी अगर यह दान आज भी मौजूद है तो इसे परमेश्वर की बुद्धि
अर्थात विजडम के साथ बड़ी सावधानी और संवेदनशीलता बरतते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आज कलीसिया में किसी के पास यह दान है तो उसके दो मुख्य लक्षण होंगे। पहला, उस मसीही को वचन का अच्छा ज्ञान होगा और वह स्पष्ट रूप से ढोंग और सच्चाई में अंतर बता पाएगा जब भी कोई प्रचारक प्रचार कर रहा होगा। तो दूसरा, इस दान वाला मसीही चर्च में घूम घूम कर लोगों को दोषी नहीं ठहराता रहेगा, बल्कि वो अपने इस आत्माओं को परखने के दान का इस्तेमाल प्रेम और सावधानी से करेगा। आमतौर पर तो वो इस दान का इस्तेमाल चर्च के लीडर्स की मदद करने में करेगा जब उन्हें चर्च के किसी फैसले में कुछ बातों को या कुछ लोगों को परखना हो। मतलब ये कि इस दान से आज भी कलीसियाओं को मदद मिल सकती है, तो हो सकता है कि ये दान आज भी कलीसियाओं में हो। छठा, इस वर्ग का आखिरी दान है ज्ञान का दान, द वर्ड ऑफ नॉलेज। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस दान का अर्थ ये नहीं है कि जिसको ये दान मिला होता है उसे सब बातों का ज्ञान होता है और उसे अब बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के अलावा किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं होता। सच तो यह है कि किसी को भी संपूर्ण ज्ञान के 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं मालूम होता। बहुत कम होती है मनुष्य का ज्ञान, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हमारा जो माइंड है, बुद्धि, बहुत सीमित है वो। तो फिर इस ज्ञान के दान का क्या अर्थ है, द वर्ड ऑफ नॉलेज? ये एक ऐसी क्षमता होती है किसी भी मसीही में जो कोई ऐसी भेद की बात बोल देता है जिसके विषय में उसे कोई पूर्व ज्ञान ना हो और जो पवित्र आत्मा के अलावा उसे कोई नहीं बता सकता हो। जैसे पहले कुरिन्थियों के 13:2 में लिखा है, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती, ये सिर्फ एक भेद की बात होती है जिसको जिसके बारे में कोई नहीं जानता होता, वो मसीही भी नहीं जानता होता। अब उदाहरण के तौर पर प्रेरितों के 5:1-12 में पत्रस को कैसे पता चला कि हनन्या और सफीरा अपनी भूमि के दाम के विषय में झूठ बोल रहे थे? बस परमेश्वर ने उसे बता दिया। तो ये होता है भेद की बात जानने का ज्ञान, द वर्ड ऑफ नॉलेज। एक बार डॉक्टर एड्रियन रॉजर्स, जो एक बैप्टिस्ट पास्टर थे विदेश में, वो चर्च में अपना संदेश दे रहे थे। तो उस दिन संडे को उस चर्च में पुलिस डिपार्टमेंट के एक बड़े पुलिस ऑफिसर, जिनको शेरिफ कहा जाता है, वो भी आए थे संदेश सुनने के लिए। तो संदेश के बीच में गेट पर जो अशर खड़ा था, सेवक, वो चलता हुआ आया और शेरिफ के कंधे पर उसने थपथपाया और शेरिफ उसके साथ उठकर जाने लगा। तब वो बैप्टिस्ट पास्टर डॉक्टर रॉजर्स बोले अचानक कि देखो वो जा रहे हैं शेरिफ, शायद कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। बस इतना ही बोला उन्होंने। उसके बाद उसी रात को उनके होटल के रूम में दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वही शेरिफ बाहर खड़ा था। शेरिफ ने बोला कि आपने जो बोला था सुबह सर्विस में कि कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा होगा और उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, वैसे ही हुआ। एक आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसने अपनी गाड़ी एक बहुत बड़े ट्रक से टकरा दी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उस गाड़ी में टूटी हुई शराब की बोतल भी निकली। और जो मारा गया था वो वही व्यक्ति था जो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा था शेरिफ के चुने जाने के लिए। फिर उस शेरिफ ने बोला कि पास्टर मुझे उद्धार चाहिए, मुझे मार्ग बताइए। तो डॉक्टर रॉजर्स ने उसे उद्धार का मार्ग समझाया और शेरिफ ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और उसका उद्धार हो गया। उसके बाद डॉक्टर राजस ने बोला कि उस समय पवित्र आत्मा ऐसे कार्य कर रहा था कि उसने मेरे मन में यह बात डाल दी और मैंने एकदम से बोल दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे ज्ञान का दान नहीं मिला है, द वर्ड ऑफ नॉलेज, मेरे पास नहीं है वो गिफ्ट, क्योंकि अगर होता तो मैं हमेशा ऐसे बोल पाता अक्सर, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे मन में जो डाला मैंने बोल दिया। इससे मुझे ये पता चल गया, कम से कम थोड़ा आइडिया लग गया मुझे कि ज्ञान का दान, द वर्ड ऑफ नॉलेज क्या होता है। एक ऐसी भेद की बात जिसको कोई जानता नहीं है जो प्रचारक है, लेकिन परमेश्वर उसके मन में डाल देता है। तो ये दान उस समय दिया गया था। अब बहुत संभव है कि ये दान भी आज की कलीसिया में हो सकता है, क्योंकि इससे चर्च को लाभ हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस दान का इस्तेमाल भी परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर और बड़ी सावधानी से करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं।
तो ये थे 6 कम्युनिकेशनल गिफ्ट्स, संवाद, वाद विवाद और बोलचाल के दान। अब तीसरा वर्ग है सेवकाई के दान का, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स। ये दान 5 प्रकार के होते हैं, जिनके विषय में मैं अपने अगले संदेश में बताऊंगा। आमीन।